हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया की कुछ साइटें पढ़ ली थी। इस वीडियो में हम आगे की साइट्स देखेंगे। इसमें पहला जो है चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा, जो कि 1986 में डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये गोवा में है। नेक्स्ट है खजुराहो मॉन्यूमेंट, ये भी 1986 में डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये एमपी में है। और इसमें जो टेंपल्स बने हैं वो नगर आर्ट का यूज़ करके बना है। और ये मॉन्यूमेंट चंदेल डायनेस्टी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। और ये जो मॉन्यूमेंट है ये फेमस है स्टैचूज के लिए। इसमें अलग अलग मूर्तियाँ डिफरेंट तरीके से बनाई गई हैं। हम्पी मॉन्यूमेंट ये हम्पी में है, जो कि कर्नाटक में है। ये 1986 में इसे भी डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसमें द्रविड़ आर्ट का यूज़ किया गया है। और ये जब विजयनगर एम्पायर था उस समय ये बनाया गया था। ये फेमस है विरूपक्ष टेम्पल। इसमें हम्पी मॉन्यूमेंट में एक टेम्पल है और उस टेम्पल का नाम है विरूपक्ष टेम्पल। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी, ये भी 1986 में डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि यूपी में है। और फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना है, पंचमहल है, दीवान आम है, टॉम ऑफ सलीम चिश्ती, मरियम महल है। नेक्स्ट देखते हैं एलिफेंटा केव, ये 1987 में डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के मुंबई में। ये फेमस है बुद्धिस्ट एंड हिंदू टेम्पल्स के लिए। और इसमें सबसे फेमस टेम्पल जो है वो शिव टेम्पल है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, ये 1987 में डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये तमिलनाडु में है, जो कि चोला एम्पायर द्वारा बनाया गया था। तो आगे देखते हैं अब इसके पटकल मॉन्यूमेंट जो है 1987 में डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी कर्नाटक में है। इसे चालुक्याज ऑफ साउथ इंडियन, जो साउथ इंडियन में जो किंग थे वो चालुक्याज उस समय रूल करते थे, तो उन्होंने ये मॉन्यूमेंट बनवाया है। नेक्स्ट है सुंदरवन नेशनल पार्क, ये भी 1987 में डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये वेस्ट बंगाल में है। और इस पार्क में बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर, ये 1988 में डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि उत्तराखंड में है। और ये फेमस है किसके लिए, एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लिपर्ड, ब्राउन बियर। ठीक, नेक्स्ट है इसका बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, जो कि 1989 में डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये सांची में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। फेमस फॉर आर्किटेक्ट ऑफ मौर्यन पीरियड, ये जो है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, ये मौर्यन पीरियड के समय बनाया गया था, इसीलिए ये फेमस है। तो हुमायूं टॉम जो है वो 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया गया, ये जो है दिल्ली में है। फर्स्ट यूज़ ऑफ संगमरमर, पहली बार इसमें संगमरमर का यूज़ किया गया था। कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में है, सभी को पता है, ये भी 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट है माउंटेन रेलवे इन दार्जिलिंग शिमला नीलगिरी, ये जो है दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल में है। शिमला में कलका माउंटेन रेलवे है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु में है। तो ये जो है ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया की। नेक्स्ट है महाबोधि टेम्पल, जो कि बिहार में है, गया में। और 2002 में इसे डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये जो प्लेस है वो फेमस है, जो बुद्ध थे उनका इनलाइटमेंट यहाँ पे हुआ था। भीमबेटका रॉक 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बताया गया, ये एमपी में है। केव पेंटिंग ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड, यहाँ पे केव पेंटिंग पाई जाती है, पैलियोलिथिक पीरियड के, पाषाण काल के पेंटिंग पाए जाते हैं। सीएसटी, जिसे हम कहते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इसे 2004 में डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी एमपी में है। और इसका ओल्ड नेम रखा गया था विक्टोरिया टर्मिनस।
नेक्स्ट जो है पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है, जो कि 2004 में डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये गुजरात में है। इट इज़ मुगल सिटीज़, ये मुगल सिटी हुआ करती थी स्टोन एज की। नेक्स्ट है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट जो है वो 2007 में डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि दिल्ली में है, सभी को पता है। और ये शाहजहानाबाद में है। अ सिटी इज़ फाउंडेड बाय द मुगल एम्परर शाहजहां। ये जो है मुगल एम्परर द्वारा, शाहजहां के द्वारा ये सिटी बनाई गई थी, और 1638 से लेके 1648 तक ये इसमें जो शाहजहां एम्परर थे वो यहाँ पे रूल किए थे। द चीफ आर्किटेक्ट इज़ अहमद लोरी, और जो इसका आर्किटेक्ट है उसको वो जो है अहमद लोरी हैं। और ये फेमस है फॉर मोती मॉस्क।